दोस्तों अगर सच कहें तो आज इतनी खुशी हो रही है कि आपसे बयां भी नहीं कर सकता। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं एक न्यू अपडेट के ऊपर। दोस्तों आपके ऊपर अगर पाई नेटवर्क का KYC का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। एंड यहां पे मैनेट सप्लाई को लेकर के यहां पे अपडेट दिया गया है, तो यहां पे शॉर्ट में इसको समझेंगे मैनेट को लेकर के। एंड यहां पे जो मेन चीज़ हम लोग का कि जो KYC का नोटिफिकेशन है वो हम लोग को नहीं आ रहा है, तो मैनेट सप्लाई लिमिट्स टेक इफेक्ट ऑन 1 मार्च। दोस्तों यहां पे आपका जो माइनिंग रेट है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा 1 मार्च से। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यहां पे अपडेट दिया गया है, तो इसके बारे में हम आपको शाम को बताएंगे, यहां पे अच्छे समझाएंगे। लेकिन हम लोग का मेन पॉइंट है कि यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सपोर्ट पोर्टल का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्रोम पे चले जाएंगे, ठीक है। जब आप जैसे क्रोम पे जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पाई नेटवर्क का KYC का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मेरे को भी नहीं आया है। यहाँ पे कैसे आएगा इसी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉग इन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कर लोगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो लिखा है KYC इन ईमेल रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको भी KYC मतलब पाई का KYC का नोटिफिकेशन आए तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल आपको करना होगा। सो KYC इन ईमेल रिक्वेस्ट, यानी कि आपको इनको एक ईमेल देना होगा, आपको KYC का रिक्वेस्ट इनको सेंड करना होगा। जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे, ठीक है, आपको एक ईमेल देना है पाई कोर टीम को। जैसे ही आप एक अपना ईमेल दोगे तो पाई कोर टीम आपको एक मेल करेगी, मेल के माध्यम से आपकी KYC करवाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको मेल से भी आपका KYC हो जाए या फिर आपको नोटिफिकेशन ही आ जाए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपका यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। हो सकता है कि दोनों पे ही आ जाए, KYC आपका KYC का नोटिफिकेशन ईमेल पर भी आ सकता है या फिर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके पाई नेटवर्क के बाई ब्राउजर पर या फिर पाई नेटवर्क के एप्लीकेशन में। तो दोस्तों एक ऑप्शन और है, वेरीफिकेशन आप अकाउंट इन ईमेल रिक्वेस्ट, अकाउंट सेटिंग इन ईमेल रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग का मेन चीज़ है KYC इन ईमेल रिक्वेस्ट, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसी को समझेंगे, इसी पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए पाई यूज़र नेम आपको करना क्या है, जो भी आपका पाई नेटवर्क का यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम कौन सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो देखिए हम यहाँ पे आएंगे तो आपका यूज़र नेम रहेगा कौन सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है @SC8540461, यही आपका यूजर नेम होगा, यूजर नेम के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर नेम अपना, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ। मैं आपको देखिए जैसे कहता हूँ वैसे करना, ठीक है, 8085404061। और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री आप डाल दोगे, और आपका जो फ़ोन नंबर आपने जिस नंबर से वेरीफाई किया होगा पाई में वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर एंड्रॉयड कर देना, ठीक है, iOS नहीं करना है। और यहाँ पर भी आपको एंड्रॉयड कर देना है, एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड करने के बाद आप तीनों स्लॉट को भी यहाँ फिल कर सकते हो या फिर किसी एक को भी कर सकते हो, तो भी आपको यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। ये KYC को यहाँ पर जैसे कि आपको KYC का जो स्लॉट है वो आप किस तरह चाहते हो, KYC आप किस तरह करो, तो उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बता रहा है। तो यहाँ पे आप दोगे तीनों ट्रिक कर लेना, ठीक है। तो तीनों ट्रिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे कहाँ का लेना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंड यहाँ बैक आना है और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ऐसे करके आपको चले जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे इशू क्या है कि हमारा KYC का नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिख देना है कि अभी तक मेरी KYC नहीं हुई है, तो प्लीज़ मुझे KYC करने का ऑप्शन मुझे दिया जाए या फिर नोटिफिकेशन दिया जाए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो हमने लिया था उसको यहाँ पर फाइल में जा करके डाल देना है, मतलब ऐड। सो देखिए ये है हमारा स्क्रीनशॉट, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। सो देखिए इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लगा देना है, और यही आपका मेन चीज़ है ईमेल, ठीक है, ये ईमेल है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे मेल लिख देना है इस तरीके से। जब मेल लिखोगे, मेल लिख दोगे तो यहाँ पे आपको सेंड का एक बटन आएगा, ठीक है, तो आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे
तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, मैं आपको पाई नेटवर्क यहाँ पे जो भी है आप इन्होंने कोड दे दिया है, चेक बोले हैं चेक करने के लिए ईमेल आईडी पे कॉन्फर्मेशन अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं मेल पे। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मेरे को मेल आ चुका है, ठीक है। ईमेल रिक्वेस्ट ये भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ सजेस्ट किया गया कि आपको किस तरीके से यहाँ पे केवाईसी का पूरा जितना भी डिटेल है ना, पूरा कैसे आपको यहाँ पे केवाईसी करना है, क्या क्या गलती नहीं करना है, क्या क्या करना है, केवाईसी का जितना भी इंफॉर्मेशन है ये सारी आपको यहाँ पे जो कि बताया गया आपको जो कि ईमेल के माध्यम से। तो आपको इसको कुछ नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं करना है, आपको केवाईसी का नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा जो अपडेट था हम लोग का यहाँ पे बहुत मेन अपडेट है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मैनेट का सप्लाई को लिमिट को लेकर बात किया गया है। तो यहाँ पे हम इसको जो कि यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, शाम को वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये भी जरूर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।